जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आशीष सुमानी। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के ऊपर, भरोसे के ऊपर, खुद पे भरोसा। जब भी हम कोई कार्य चालू करते हैं तो हम प्रयास तो बहुत करते हैं, बाकी फिर भी हमें वो सफलता नहीं मिलती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। उसका मूल कारण होता है कि हम उस कार्य को करते समय खुद पे वो भरोसा ही नहीं रखते हैं कि जिससे हमें वो सफलता मिल जाए। आप निरंतर प्रयास रखिए और खुद पे भरोसा रखिए, कितना भी मुश्किल काम है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये बात मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टोरी चालू करूँ उसके पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटा सा राज्य रहता है, वहाँ बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। एक दिन वहाँ का जो राज्य का गुप्तचर आता है, वो राजा को बोलता है कि पड़ोसी राज्य हम पे हमला करने वाला है। राजा एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है, सभा बुलाता है, उसमें सेनापति, मंत्री, वहाँ के जितने विद्वान, उन लोग सब मीटिंग में आते हैं। और राजा उनको बोलता है कि पड़ोसी राज्य जो है वो हम पे आक्रमण करने वाला है। तो उसका ऐसा बोलना होता है, उसके बाद सेनापति खड़ा होता है और वो बोलता है कि राजन, बोले ये युद्ध तो हम जीते इसकी बहुत संभावना कम है, क्योंकि हमारे पास सैन्य बल छोटा है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम युद्ध जीत पाए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हम समर्पण कर देते हैं ताकि हमारे जितने भी सैनिक है उनके प्राण बच जाए। इतने में वहाँ पे जो एक विद्वान रहते हैं वो खड़े होते हैं और वो क्षमा मांगते हुए बोलते हैं कि मैं बीच में बात बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, बाकी आप तत्काल प्रभाव से इस सेनापति को निष्कासित कर दें, क्योंकि जो सेनापति लड़ने के पहले ही अपनी हार मान ले और समर्पण की बात करें उसके नेतृत्व में हम कभी भी नहीं जीत सकते। राजा को विद्वान की बात सही लगती है, तो उनसे पूछते हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए। तो बोलता है कि आप वो सेना मुझे दीजिए, मैं युद्ध करने जाता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि युद्ध में जीत भी हमारी होगी। राजा को विद्वान की बात सुन के और उनके कॉन्फिडेंस को देख के उसके अंदर भी एक नया जोश आता है, तो वो उसको सेनापति नियुक्त कर देते। विद्वान भी वो सेना लेके निकलते हैं, तभी रास्ते में एक माताजी का मंदिर आता है। वो अपनी पूरी सेना को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ रुकिए, मैं पूजा अर्चना करके आता हूँ, माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो जीत भी हमारी होगी। तभी कुछ सैनिक उनसे पूछते हैं कि अंदर जो मूर्ति हो तो पत्थर की है, वो आपको कैसे कोई जवाब दे पाएगी। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं एक सन्यासी आदमी हूँ, मैंने बहुत पूजा पाठ करी हुई है, मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, तो मैं कुछ ना कुछ इसका हल निकाल लूँगा। तो उनको भी उस विद्वान पर विश्वास होता है, अंदर विद्वान जाता है, पूजा अर्चना करता है, बाहर आता है, सबको प्रसाद देता है। सैनिक पूछते क्या बोली माता जी, तो बोलती है कि माता जी ने कहा है कि अगर शाम को सूर्यास्त के बाद इस मंदिर से उजाला बाहर आए तो माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ में है और जीत भी हमारी होगी। सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद सारे सैनिक एक टक नज़र उस मंदिर की तरफ रहती है। रात होते से उस मंदिर के बाहर बहुत सारा उजाला आता है, जितने भी सैनिक रहते हैं उनके अंदर एक नया जोश आता है, एक नई ऊर्जा आती है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर चला जाता है। उनको ये लगता है कि अब माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ में है, जीत हमारी होगी। युद्ध चालू होता है, 4-5 दिन तक युद्ध चलता है, सारे सैनिक अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से लड़ते हैं और जीत भी इनकी होती है। जीतने के बाद जब ये विद्वान वापस अपने राज्य में आता है तो इनका बहुत मान सम्मान, आदर सत्कार होता है। सभा में राजा इनसे पूछता है कि आपने ऐसा क्या करा कि कम सैनिक होते हुए, कम संसाधन होते हुए भी हम जीत गए। तो विद्वान उनको बोलता है कि बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, बोले हम जब जा रहे थे तो रास्ते में एक माता जी का मंदिर था, मैंने वहाँ पूजा करी, बाहर आके सैनिक को ही बोला कि अगर रात को यहाँ से उजाला निकले तो माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ में है और युद्ध में जीत हमारी निश्चित है। बोले जब मैं दिन में वहाँ पूजा करने गया था, मैं तभी वहाँ पर एक दीपक जला के आ गया था, बाकी दिन के उजाले में उस दीपक की रोशनी दिख नहीं रही थी, रात को जब उस दीपक का उजाला मंदिर से बाहर आया तो सब सैनिक को लगा कि माता जी का आशीर्वाद हमें मिल गया है। इससे उनके अंदर एक नया जोश आ गया, नया कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया और उसी से वो लड़े और हम जीत गए। सेम ऐसा ही हमारे साथ में होता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना तो हम उसको पूरे विश्वास से नहीं करते। अगर आप मान लोगे कि कोई काम मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तब यकीन मानिए कि वो काम आपसे कभी नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी चीज़ जो आज सोचते हो वही आगे जाके वास्तविकता बनती है। सकारात्मक अगर आप सोचेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी सकारात्मक मिलेगा। निरंतर प्रयास करते रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए, आपको रिजल्ट भी सकारात्मक ही मिलेगा।
चार लाइनें हैं इसके ऊपर, हो के मायूस ना यू शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस ना यू शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरत सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। सकारात्मक रहे, निरंतरता बनाए रखे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।